आज 14 मई 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 14th मई 2023 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य, स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 5 दिसंबर 1994, 5th दिसंबर 1994। मुरली का टाइटल है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। जो भी बाबा के बच्चे अपने योग की अवस्था को पावरफुल करना चाहते हैं, वो आज की मुरली के गहराई में जाए। आध्यात्मिकता, समर्पण, संन्यस्त वृत्ति, इन सब का फाउंडेशन है वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं है तो आप साधना कर नहीं सकते हैं। या तो आप रागी है या वैरागी है। जो भी दुनिया में लोग हैं जो साधना करना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों में या इंद्रिय सुखों में लिप्त है, इंद्रिय सुखों का आनंद ले रहे हैं और वो साधना मुश्किल समझते हैं। कई लोग साधने के पथ पर चलना आरंभ करते हैं, लेकिन चलते चलते इंद्रियों के वश हो जाते हैं और साधना छोड़ देते हैं। कई लोग साधना के पथ पर चलते हैं, साधना करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उस साधना में इंटेंसिटी नहीं है, तीव्रता नहीं है। बहुत कम है जो तपस्वी है, त्यागी है, जो साधना की उच्च अवस्था का अनुभव करते हैं। और इन सब का आधार है वैराग्य वृत्ति। लौकिक में भी वैराग्य वृत्ति है तो वो आत्मा बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर रही है। तीन शब्द है, राग, वैराग और वितराग। राग माना आकर्षण, वैराग माना आकर्षण नहीं है, और वितराग एक हाईएस्ट स्टेज है। माना आपके पास सब कुछ है लेकिन कोई भी व्यक्ति और वस्तु आपको खींच नहीं रहा है, ये थोड़ा हाईएस्ट स्टेज पे रखा हुआ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आपके पास कुछ है ही नहीं और आप कहते हो कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इससे बड़ी अवस्था ये है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन बुद्धि कहीं पर भी जा नहीं रही है, ये ऊंची अवस्था है। तो हमको इस अवस्था तक पहुंचना है। जैसे बाबा मुरलियों में कहता है कि लोग धन को माया समझते हैं, और जिसके पास बहुत धन है तो कहते हैं इसके पास माया बहुत है। बाबा कहता है धन माया नहीं है, क्योंकि धन से अच्छे काम भी हो सकते हैं। बहुत सारे सेंटर बाबा के खुले हैं, सेवाएं हो रही है, धन से हो रही है। तो धन निगेटिव नहीं है। धन को कमाने के तरीके, धन को खर्च करने वाले की वृत्ति, ये महत्वपूर्ण है। तो धन आने के बाद
कुछ लोगों के अंदर के निगेटिव संस्कार जागृत हो जाते हैं। शराब कबाब में वो अपना पैसा खर्च करते हैं और कुछ लोगों के पास धन आने के बाद वो मंदिर खोलते हैं। तो धन बुरा नहीं है, उसको यूज़ करने वाले लोग। ऐसे ही बाबा ने आज बहुत गहरी बात कही है। अगर आज की मुरली समझ में आ गई और धारण हो गई तो केवल एक ही अवस्था पॉसिबल है, चुप हो जाना। साइलेंस में चले जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, जो बाबा ने कहा हुआ है। बाबा आज कौन से बच्चों को देख रहा है? तो जो स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चे हैं। हमारे जैसा भाग्य किसी को प्राप्त नहीं है, लेकिन आज बाबा ने फर्क किया है कि एक है प्राप्ति होना और दूसरा है उस प्राप्ति के नशे में खो जाना। तो बाबा के बहुत सारे बच्चे कहते हैं बाबा मिला करके, लेकिन बाबा कह रहा है, सभी कहते हैं कि हमको बाप का प्यार मिला, बाप मिला, लेकिन सभी प्राप्ति के नशे में खोए हुए नहीं रहते, खोने में नंबर वन है। और इसी को भक्ति मार्ग में नंबर वन स्टेज कहा हुआ है। उन्होंने लीन शब्द इस्तेमाल किया। बाबा कहता है आत्मा अविनाशी होने के कारण लीन तो हो नहीं सकती, लेकिन लव में लीन हो सकती है। और बाबा के महावाक्य है कि स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो संपूर्ण ज्ञानी आत्मा बाबा के घर पे वही है जो बाबा के स्नेह में पूरी तरह से खोई हुई है। इसमें नंबर वार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये झलक और फलक इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई समय पाना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता ऐसी आत्मा के ऊपर। कोई मेहनत नहीं होगी, सदा मोहब्बत में खोई हुई रहेंगे। बाबा ने कहा अगर कुछ बच्चों को योग लगाने में युद्ध करनी पड़ती है, योग में बैठे लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं है, कभी योग कभी युद्ध चलता है और बार बार स्मृति लानी पड़ती है। तो बाबा ने कहा ये युद्ध की अवस्था है, व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। तो ये नंबर वन स्टेज नहीं हुई, नंबर टू स्टेज। बाबा ने बहुत साकार मुरलियों में भी कहा है कि युद्ध के संस्कार अगर लंबे समय तक रहे तो आप पूरा सतयुग मिस कर देंगे। क्योंकि युद्ध माना त्रेता युग, विजय माना सतयुग। अगर अभी भी व्यर्थ और समर्थ की युद्ध मेरे अंतर मन में चल रही है तो ये युद्ध के संस्कार बाबा ने कहा चंद्रवंशी बनाएंगे। अब ये क्यों बनते हैं? तो बाबा ने कहा कुछ बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल हो गए, कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचर हो गई है कि समझते ही नहीं कि हम करते हैं करके। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि माया की समझदारी के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। और भाषा क्या होती है इनकी, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, अभी संपूर्ण कौन बना है। तो माया का वार है ये समझते नहीं है, अपने आप को सिद्ध करते जस्टिफाई करते हैं। ये नेचुरली आता है, माया माना जस्टिफाई करना, अपने आप को सिद्ध करना कि मैं राइट और दूसरा रॉन्ग। इसलिए मैंने कहा ये मुरली समझते ही अंतर्मुखी हो जाएंगे, बोलना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, योगी तो आत्माएं कभी भी सिद्ध नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई इशारा देता है चुप हो जाएंगे।
माया की समझदारी नहीं दिखाएंगे। बाबा ने पूरी मुरली इसी के ऊपर चलाई है। कहते हैं मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवादारी कोई है ही नहीं। ये थॉट आना माना फेल हो गए। बाबा ने इसके बारे में मुरलियों में कहा है कि मैं कुछ भी नहीं और मैं ही सब कुछ हूँ, ये दोनों गलत है। ये दोनों सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ माना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और मैं कुछ भी नहीं हूँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो बात है, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई नहीं, ये माया की छाया है। और ये माया की छाया मन और बुद्धि को वशीभूत कर देती है, और मन और बुद्धि वशीभूत हो गए तो निर्णय नहीं कर पाएंगे। बाबा ने आज भक्ति मार्ग के शब्द इस्तेमाल किए, मायावी ज्ञानी और मायावी ज्ञानी समझदार योगी। मायावी योगी है, योगी है ज्ञानी, लेकिन कौन सा मायावी है, और ईश्वरीय समझ से किनारा कर देता है। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी है। आज मैं सुन रहा था यहाँ पर एक भाई, आप सोचो 30 साल ज्ञान में चलने के बाद बाबा का हाथ छोड़ दिया, घर पे सेंटर चल रहा है और दूसरी पार्टी में चला गया। तो माया के योगी भी सदा अचल अटल योगी है। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो कितना बढ़िया होता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कुछ बच्चे माया के नशे में ऐसे बोल बोलते हैं कि मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे अच्छा हूँ। बाबा ने कहा ये भाषा रॉयल भाषा है, माया की भाषा है, ये ईश्वरीय भाषा नहीं है। आपको सिद्ध करना ही नहीं है, सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। और अगर कोई कहता है कि मैं दिखा दूंगा, तो समझने का कि अपनी कमी कमजोरियों को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, चुप हो जाना चाहिए। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक करके यही देखा कि बच्चों में अभी तक बेहद का वैराग्य नहीं है। वैराग्य नहीं माना क्या है, वैराग्य नहीं है मतलब मेरापन है। आज बाबा ने बेहद के वैराग्य वृत्ति की डेफिनेशन दी है, इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। वैराग्य बाबा किसे कहता है, वैराग्य किसे कहता है, वैराग्य माना मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। अगर हद का किसी भी प्रकार का मेरापन है तो बेहद के वैराग्य से दूर है। मुझे बहुत वंडर लगता है, सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आ गए तो फिर बाबा ने आज मुरली में ये भाषा बाबा को बताना पड़ रहा है, क्योंकि माया की समझ रियलाइज करने ही नहीं देते हैं। क्या बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, देखो बाबा को बोलना पड़ रहा है। आज बाबा कह रहा है कि कुछ बाबा के बच्चे कहते हैं ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान व सेवा स्थाती बनाए हैं, ये मेरा है, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। देखो बाबा ने बराबर पकड़ा है, जो बाबा के बच्चे सेवा करते हैं डेफिनेटली उन्होंने बहुत मेहनत किया हुआ रहता है सेंटर को खड़ा करने में, स्टूडेंट को बढ़ाने में, जो भी है, लेकिन बाबा कह रहा है कि उसमें मेरापन नहीं रखो। अगर मेरापन है, मेरा काम है, मेरा स्थान है, मेरी मेहनत है, तो ये है निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर। ये रॉयल रूप का मेरापन है। बाबा को सुनाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, बाबा ने कहा
कि बाबा को भी बहुत सुनाते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना, आप क्या समझते हो कि मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। मुझे भी बहुत हंसने को आया क्योंकि बाबा ने कहा कि बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। देखो भगवान को कहना पड़ रहा है, भगवान ज्ञान का सागर है, उसका ही ज्ञान उसको ही सुनाते हैं। बाबा आपको तो पता है ना, आप सब जानते हो ना, अरे उसको आप याद क्यों दिला रहे हैं? वो भूला हुआ नहीं है, भूले हुए हम हैं। माया का वार समझ में नहीं आता है। बाबा क्या करेगा, बाबा मुस्कुराएगा क्योंकि माया का वार होता है। बाबा ने कहा, बेहद का वैराग्य मायना न्यारा और प्यारापन, न्यारा और प्यारापन का बैलेंस होना चाहिए। या तो बहुत प्यारे हो जाते हैं या तो बहुत न्यारे हो जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस होना चाहिए। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी प्यारेपन की। प्यारापन का बाबा ने डेफिनेशन दिया है, जितना जितना ये व्याख्याएं आते हैं उसको लिख लेना चाहिए और पक्का कर लेना चाहिए। प्यारा माना निमित्त और निर्माण भाव, निमित्त करण कराओ नर बाबा मैं निमित्त हो, निर्माण बहुत नम्रता का गुण धारण होना चाहिए। तो बाबा ने कहा यथार्थ वैराग्य वृत्ति का डेफिनेशन ये भी लिख लेना चाहिए, यथार्थ वैराग्य वृत्ति क्या है, अंडरलाइन। चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसको कहते हैं बेहद के वैराग्य वृत्ति। अभी होता क्या, या तो बहुत प्यारे हो जाते या बहुत न्यारे हो जाते हैं, बैलेंस नहीं रखते। तो मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। मेरा कुछ भी नहीं है, अंडरलाइन करेंगे, मेरा कुछ भी नहीं है, और दूसरा वाक्य मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये दो वाक्य हमको संपूर्ण अवस्था तक लेके जा सकते हैं अगर यथार्थ रूप में हम इसको समझे। मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल बाबा मेरा है, बाकी सब निमित्त बन के सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। नहीं तो माया नए नए प्रकार के मेरेपन को इमर्ज कर रही है। तो चाहे ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं, बाबा ने कहा दुनिया वाले भी कहते कि दुनिया ज्यादा समय तक नहीं चल रही वाली है, लेकिन फिर भी चल रही है, कहाँ फंस जाते हैं। तो निमित्त भाव है या लगाव, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, हमने उस दिन भी मुरली में देखा, कहते हैं सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, बोलते हैं तेरा लेकिन मानते हैं मेरा। बाबा ने आज यही शब्द इस्तेमाल किया, मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो ये चालाकी है भगवान के साथ। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी गलती करते हैं, कौन से गलती करते हैं, जो करना नहीं चाहिए कि दूसरों के जज और अपने वकील बन जाते हैं। मेरे पास इसके केसेस हैं, कितने डिस्टर्ब होते हैं बेचारे। एक आत्मा है जो हमेशा हमेशा यही भाषा जो आज बाबा ने कहा, मुझे तो तुरंत उस आत्मा का चेहरा, क्योंकि हमेशा दुखी रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्या भाषा रहती है। आज बाबा ने कहा इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझते हैं बात बिल्कुल ठीक है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे है ये वैसे है। तो बाबा ने कहा ये वकील की भाषा है। तो वकील सिद्ध करते हैं सच को झूठ और झूठ को सच, और जितना प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसी को नहीं आता है। तो बाबा ने कहा ये नहीं करो, अपना जज बनना है। दूसरों के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है क्योंकि हमारा स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
तो यहाँ भाई और बहनों बहुत अटेंशन रखना है। मैंने इस आत्मा को देखा है, इतना दुखी रहता है। ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बस यही चल रहा है। और फिर किसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, और लोग भी उसको अवॉइड करने लगे हैं, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ चुका है कि आत्मा की ये वृत्ति है। तो माया की चतुराई को समझना चाहिए, और जो बाबा के बच्चे ये माया की चतुराई या वार को समझते हैं, वो अपने आप को सेफ कर लेते हैं। नहीं तो माया इतनी पावरफुल है कि मास्टर सर्वशक्तिवान को भी अपना बना लेती है। तो वैराग्य वैराग्य वैराग्य, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं घर चलने को तैयार हूँ। तीसरी बात भी ऐड कर देंगे, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए, मुझे मंजूर है। ये बार बार अपने को याद दिलाते रहना चाहिए, जब तक ये पक्का नहीं हो जाए, पक्का नहीं हो जाए। अभी कुछ भाई बहने कहते हैं, मेरा चांस था, मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मेरे को चांस नहीं दिया गया, ये मेरे ऊपर अन्याय हुआ है। बाबा ने इसका जवाब दिया, अगर आप समझते आपके अंदर योग्यता थी, विशेषता थी, आपका चांस था, आपने मेहनत किया हुआ था, फिर भी किसी और को मिला, तो आप कहाँ गया नहीं, आपका बाप के पास जमा है, ये कर्मों की गुह्य गति है। तो इसको समझिए, कभी अपने आप को सिद्ध नहीं करना है। मैं जब सेवा के फील्ड में होता हूँ, ये सब भाई बहने मुझे मिलते हैं, हाईली इनसिक्योर, इतने असुरक्षित होते हैं, उनको लगता है कि दूसरा मेरे से आगे चला जाएगा, इसकी ज़्यादा महिमा होगी, फिर मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो मुझे पूछना चाहिए, इसलिए बहुत सारी बातों को पकड़ के रखते हैं। कितना मेरापन है, कितनी इनसिक्योरिटी रहती है, जिसको जितना डर रहेगा अंदर से, उतना वो ज्यादा चीजों को, व्यक्तियों को पकड़ के बैठेगा। ये नेचुरल है पकड़ के बैठना। और स्पिरिचुअलिटी माना छोड़ देना, पकड़ के नहीं बैठना, छोड़ देना। लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि योगी माना जो कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करे, कम से कम चीज़ों के सहारे चले। बाबा ने इसको अलग अलग मुरलियों में अलग अलग भाव से कहा हुआ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मुझे याद आ रहा है, कि जैसे तपस्या वर्ष में तपस्या बढ़ी, तो यज्ञ में साधन आना चालू हुए। तो साधन आए तो देखा कुछ लोग साधनों में साधनों को सहारा बनाने लगे, गाड़ी आई, एसी आई, अच्छी अच्छी चीजें आए। तो ये सब साधन है, ये साधना को इंटरफियर कर सकती है, जो कुछ बच्चों के साथ हुआ। आखिर बाबा को कहना पड़ा कि बच्चे, साधन सारा नहीं है, साधना बीज है, साधना का फल ये साधन है, तो साधनों को आधार मत बनाओ, नहीं तो फंसने वाले हैं। और एग्जैक्टली ये हो रहा है, शास्त्रवादियों ने भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए शास्त्रवादी या तपस्वी अपने ऊपर बहुत कड़ी नजर रखते हैं। जो अच्छे तपस्वी है, वो देखते हैं कि ज्यादा साधनों का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको एक बार इन साधनों की आदत लग गई, तो फिर उसके बगैर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अभी गर्मी के एरिया में हूँ, कल से मैं चंद्रपुर में था, आज मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर करके कैपिटल है, वहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर कल नशा मुक्त भारत अभियान का लॉन्चिंग है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बाकी के मिनिस्टर, नोडल ऑफिसर, बहुत सारे वीआईपी आने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत गर्मी है, 42 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ व्यवस्था तो है रूम में एसी की, लेकिन मैं देखता हूँ जैसे ही एसी बंद मैं करता हूँ, मुझे भी आदत नहीं है एसी की, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ
मुंबई में वहाँ एसी नहीं है, हम फैन के सहारे ही चलते हैं। तो मुझे यहाँ ठंडी लगती है, लेकिन रूम में वेंटिलेशन ही नहीं है, तो बहुत गर्मी। दीवार भी गर्म है, 42 डिग्री सेल्सियस है। आप खुले में चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरी कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, क्योंकि जहाँ रेलवे में प्रोग्राम किया, बल्लार शाह करके एक इंडस्ट्रियल एरिया है चंद्रपुर के पास, वहाँ प्रोग्राम किया रेलवे के शेड में, वहाँ गर्मी। फिर दूसरी कंपनी में गए, वहाँ पे गर्मी। हर जगह पे ओपन प्रोग्राम में गर्मी होती है और एसी नहीं होती है, तो बहुत तकलीफ हो रही थी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे शरीर को आदत लग गई है। तो हमको देखना चाहिए कि जितना हो सके हम अपने आप को स्ट्रेच करें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, और इन साधनों का ज़्यादा सहारा नहीं ले। ब्रह्मा बाप के जीवन को देखेंगे, बाबा चाहता तो अपना कमरा बहुत अच्छा कर सकता था, बाबा ने अपने कमरे में एसी नहीं लगाई, सिंपल रहा, झोपड़ी में रहा। जबकि दादिया बाबा को रिक्वेस्ट करती थी कि बाबा आप झोपड़ी में नहीं रहो, आपके लिए अच्छा कमरा। अभी आप देखो इस समय के कितने गुरु हैं, सन्यासी हैं, सबके महल खड़े हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा एक साधारण झोपड़ी में रहा। और बाबा ने हमेशा कहा कि ये पुरानी जुत्ती है शिव बाबा की, पुराना पतित शरीर है। कहाँ बाबा रॉयल रहता था, शिव बाबा के प्रवेश करने के पहले के फोटो देखो, और शिव बाबा के प्रवेश करने के बाद एक धोती और कुर्ता, सिंपल। तो ये बाबा ने क्यों किया? क्योंकि बाबा को पता था तपस्या तपस्या तपस्या, ज़्यादा चीज़ों का सहारा नहीं ले। इवन बाबा तो स्टेशन पे भी किसी को फूल हार मना करता था, क्योंकि लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। एक बार आपको फूल हार लेने की आदत लग गई, तो जहाँ पे फूल हार नहीं मिलता है वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं दिन भर में 4 तो प्रोग्राम करता हूँ मिनिमम एवरी डे, और पिछले 3 दिन से तो हालत ऐसे है कि मैं बता नहीं सकता। मुरली रहस्य मैं 11 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रोज 12 बज रहे सोने को, क्योंकि लेट हो रहा है, ट्रैवलिंग में एनर्जी जा रही है, और हर प्रोग्राम में बुके देते हैं, फूल देते हैं, हार देते हैं, आदत लग जाती है हार देने। तो उस समय मैं अपनी साक्षियों के चेकिंग करता हूँ कि क्या मेरे अंदर वैराग्य की स्टेज है, क्योंकि रोज़ न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है, टीवी पे न्यूज़ आ रही है, मीडिया कवरेज हो रहा है। तो कई बार इसकी आदत लग जाती है, हमको इससे डिटैच होना चाहिए, नहीं तो अहंकार आने के चांसेस रहते हैं। आज बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य वृत्ति, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। टीचर्स को भी आज बाबा ने याद दिलाया कि बेहद का वैराग्य वृत्ति का पाठ पक्का करो, आज्ञाकारी के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति। डबल फॉरेनर्स को भी बाबा ने कहा, चाहे सारी दुनिया के लोग, अक्षौहिणी लोग हाथ छुड़ाए, तो भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। हाथ और साथ, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनना है। बाबा के हर बच्चे को जन्म से ही दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, और बुद्धि का काम है निर्णय करना। किसी भी समस्या, संग व मनमत का प्रभाव बुद्धि पर न पड़े, तभी रजिस्टर बेदाग रह सकता है। अगर रजिस्टर पर दाग पड़ रहा है, माना ऐसे कर्म हो रहे हैं, तो समझने का दिव्य बुद्धि अभी तक वरदान पूरी तरह से लिया नहीं है, जबकि बाबा ने दे दिया है। इसलिए जो दुनिया में कर्मों को कूटते हैं, ऐसे हमें कर्मों को कूटना नहीं है। कभी भी कर्म कूटेंगे नहीं, हमेशा कहेंगे वाह मेरे कर्म वाह। पवित्रता की गहराई में जाएंगे, जितनी जितनी पवित्रता की गहराई में जाएंगे, उतना उतना अतींद्रिय सुख की अनुभूति नेचुरली होती रहेगी। आज की पूरी मुरली अटेंशन देंगे, क्या मेरी बेहद की वैराग्य वृत्ति है,
या मुझे पुरानी दुनिया, पुरानी चीजों में आकर्षण है, व्यक्ति और वस्तु में? क्या मैं लगाव मुक्त हो चुकी हूँ? क्या मैं स्वयं को सिद्ध करती हूँ? मेरे अंदर सूक्ष्म रॉयल मेरापन कौन सा है? क्या मैं निमित्त भाव को हमेशा ध्यान में रखती हूँ? निमित्त और निर्माण, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए, मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अच्छा, ओम शांति।